Today in this video, we will discuss about the when reserves and accumulated profit loss are not to be transferred to capital account. In last video, हमने discuss किया था कि जब firm reconstitute होती है या किसी भी region से firm का reconstitution हो रहा है तो उस condition में क्या होता है, जो भी partners का पुराना प्रॉफिट और लॉस या जो भी रिजर्व वगैरह होता था फॉर्म के अंदर वो क्या करते थे, वो सारा का सारा अमाउंट ट्रांसफ़र कर लेते थे, क्योंकि वो प्रॉफिट फ्यूचर में वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेकर के चलना है या फिर जो भी रीजन बन रहा है उसके हिसाब से आगे क्या चीज़ें आगे उस तरह से ट्रीट होंगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चाहे वो फॉर्म चेंजिंग इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, चाहे वो एडमिशन ऑफ द पार्टनर हो या अदर कोई भी वो वे हो, ठीक है, किसी भी वे में हो तो वो क्या होता था उस टाइम में, वो रिकंस्टिट्यूट करके जो भी रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह है वो क्या करते थे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते थे, हो जाता था अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब यहाँ पर कह रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करवाना चाह रहा है, वो कह रहा है कि जब रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाए। इसमें कह रहा है एट टाइम्स द पार्टनर्स में डिसाइड दैट द रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कंटिन्यू टू अपेयर एट द सेम अमाउंट इन द बैलेंस शीट। मतलब कि आगे जब वो न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट बनेगी तो उस न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट में उस रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट को सेम अमाउंट से लेकर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे कह रहा है इवन आफ्टर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म को रिकंस्टिट्यूट होने के बावजूद भी, ठीक है, फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो भी प्रॉफिट और रिजर्व वगैरह वो आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, इन सच अ सिचुएशन गेन और द सेक्रीफाइंग ऑफ द पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड। इस केस में क्या होगा, गेन और सेक्रीफाइंग कैलकुलेट किया जाएगा एंड एडजस्टमेंट एंट्री इज पास्ड, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग। इट इज नेसेसरी टू एडजस्ट कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स बिकॉज द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर सच रिजर्व्स एंड एक्युमुलेटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों, ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जो ओल्ड जो पार्टनर्स हैं वो ये रिजर्व वगैरह जो भी उन्होंने जनरेट किया है पुराना, वो क्या करेंगे, वो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जैसा पीछे भी हमने बताया था, पीछे के वीडियोस में बताया था कि अगर फॉर्म रिकंस्टिट्यूट हो रही है किसी भी रीजन से तो उस रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर उनका जो रिजर्व वगैरह होगा, प्रॉफिट वगैरह होगा, वो इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन आगे कह रहे हैं हाउएवर इफ फ्यूचर दे विल बी एंटाइटल टू शेयर सच रिजर्व्स एंड प्रॉफिट इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों, क्योंकि फ्यूचर में जाकर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आगे का जो भी प्रॉफिट रिजर्व वगैरह जो भी बनेगा वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। सो द गेनिंग पार्टनर्स मस्ट कंपनसेट द सेक्रीफाइंग पार्टनर्स फॉर द शेयर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट प्रोपोर्शनेट टू द शेयर्स गेन। मतलब जो भी गेन कर रहा होगा गेनिंग पार्टनर, उस गेन के उसमें रेशियो में उसको वो कंपनसेट करेगा, किसको, सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को। तो इसके लिए बेसिस, इसके लिए हम आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे, इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसपे क्लियर करेंगे कि किस तरह से वो उन सारी चीज़ों को एडजस्ट करेगा। तो आगे हम जिस पे डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। इसमें क्या रहा है क्वेश्चन में, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ए बी सी तीन पार्टनर्स थे, वो अपना प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे थे, ठीक है, इन पास्ट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 दे एग्रीड टू शेयर्स। उन्होंने 1 अप्रैल 2017 से एग्री हुए शेयर करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:2:1। फ्यूचर में जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने क्या डिसाइड किया, 2:2:1। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यूज। मतलब जो भी उनकी बुक, पुरानी बुक वैल्यूज हैं उन पर कोई भी इफेक्ट डाले, उनको सारी चीज़ों को इफेक्ट का मैंशन करना है, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, जनरल रिजर्व दे रखा है जब उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया है। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो उस टाइम में क्या होगा, फर्म
रिकंस्टिट्यूट हो रही होगी दोबारा से, ठीक है। मतलब रिकंस्टिट्यूशन का मतलब सारे रूल्स अलग हो, सारी चीजें दोबारा तैयार की जा रही है, नया पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट तैयार हो रहा होगा, ठीक है। इसमें कह रहा है ये हो गया उसका जनरल रिजर्व 50,000 का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रुपीज 20,000, थर्ड पॉइंट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रुपीज 12,000 के, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रुपीज 2,000। इसमें कह रहा है आगे पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एज्यूमिंग नो लायबिलिटी इज एक्सपेक्टेड ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब ये एज्यूम करते हुए हमें जर्नल एंट्री पास करनी है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए कोई भी लायबिलिटीज नहीं बनी, ठीक है। अगर लायबिलिटीज बनी होती तो क्या होता कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को उसमें एडजस्ट किया जाता, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आगे कह रहा है एंड मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो टू बी इक्वल टू द बुक वैल्यू। अब जितनी मार्केट वैल्यू है, जितने हमारे इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है उतनी ही मार्केट वैल्यू है उसकी इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट कितने के थे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का था, ठीक है, और हमारे उसकी मार्केट वैल्यू भी इतनी ही है, ठीक है। द कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड, जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो क्या है, फिक्स्ड है। हमने पीछे पढ़ा होगा कि जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होती है, तो जब फिक्स्ड होती है या दो तरीके से हम उसको सॉल्व करते हैं, एक फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट और दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में क्या होता है, जो भी उसने कैपिटल लगाई होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती है, ठीक है, और अगर चेंज होगी भी तो सारे पार्टनर्स के क्या नाम आपस में एग्रीमेंट क्या नाम आपस में एक उनका डीड होगी, उसके बेसिस पर अगर वो आपस में मैच्योरली उसको अंडरस्टूड करेंगे तभी उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे इसके बेसिस पर। इसमें कह रहा है अब इसमें हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट किया है, इनका गेनिंग सेक्रीफाइंग रेशियो। अब गेनिंग सेक्रीफाइंग रेशियो के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी का ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल पार्टनर्स थे, इक्वल पार्टनर्स का मतलब उनका यहां पर आ जाएगा इक्वली, ठीक है। इक्वली का मतलब 1:1:1, 1+1+1=3, तो 1/3 इसका हो गया शेयर, हमने इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया, 1/3 इसका शेयर हो गया, 1/3 इसका शेयर हो गया, ठीक है। ये तो हो गया इनका ओल्ड रेशियो। अब हम बात करते हैं न्यू रेशियो। न्यू रेशियो में फ्यूचर में वो क्या करना चाह रहे हैं, 2:2:1, तो यहाँ पर आ जाएगा न्यू रेशियो ऑफ ए, ए के लिए 2, बी के लिए 2 और सी के लिए 1, तो इक्वल टू 2+2+1=5, ठीक है। ये आ गया इनका 2/5, 2/5, 1/5, ये फ्रैक्शंस में हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। अब बात करते हैं इनका गेनिंग सेक्रीफाइंग रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, गेनिंग सेक्रीफाइंग। तो यहाँ पर सेक्रीफाइंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। गेनिंग सेक्रीफाइंग रेशियो के लिए हमने फॉर्मूला लगा दिया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो इनका कितना है, ओल्ड रेशियो था इनका 1/3 ए के लिए, तो 1/3 माइनस, और न्यू रेशियो था 2/5, 1/3 माइनस 2/5 इक्वल टू हमने इसमें एलसीएम ले लिया 15, ठीक है। तो 3 5 15, 5 1 5, 5 3 15 और 3 2 6, तो यहाँ पर आ गया 5 - 6 = -1/15, ठीक है। ये गेन करेगा क्यों, क्योंकि पहले उसको 5/15 बन रहा था, अब 6/15 बनेगा, तो यहाँ पर क्या कर जाएगा, ये गेन कर जाएगा, ठीक है, कितने से, 1/15 से। दूसरा 20 पार्टनर है, उसका 1/3 था, इसमें भी 2/5 ले रहा है, एलसीएम हमारा वही सेम आ गया 15, ठीक है। 3 5 15, 5 1 5, 5 3 15, 3 2 6, यहाँ पर भी 1/15 से गेन कर जाएगा, ठीक है। सी जो है पहले उसको 1/3 मिल रहा था, अब कितना मिलेगा, 1/5 मिलेगा, पहले उसको ज़्यादा मिल रहा था अब कम मिलेगा, तो ये क्या करेगा, सेक्रीफाई करेगा, ठीक है। यहाँ पर भी एलसीएम इसका 15 आ गया, 3 5 15, 5 1 5, 5 3 15 और 5 3 15, 3 1 3, ठीक है, इक्वल टू 2/5,
ये इतना सेक्रीफाई कर जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने जो उसमें सारी चीजें दे रखी थी, जो रिजर्व है, एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह है, इसको क्या करेंगे, इसके बेसिस पर, गेनिंग सेक्रीफाइंग बेसिस पर एडजस्टमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या है, कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट्स इफेक्ट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व्स। ठीक है, जनरल रिजर्व्स जो जो चीजें मेंशन की हुई थी, जनरल रिजर्व आ गया हमारा, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्लस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्लस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, माइनस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्योंकि ये सब हमारे डेबिट के पॉइंट्स हैं और ये हमारा एडवर्टाइजमेंट होता है, ये इस तरह से हमारी क्या है, ये सारी हमारी एसेट्स हैं। ठीक है, और ये क्या है, हमारी लाइबिलिटीज है, जो इन ओ सॉरी ये हमारी लाइबिलिटीज है और ये हमारी एसेट्स है, क्योंकि जनरल रिजर्व हमें पे करना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेड बैलेंस ये हमें पे करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये हमें पे करना है, सारी चीज़ें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये हमें पे करना है, तो ये सारी चीज क्या है, हमारी लाइबिलिटीज हैं। जबकि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, ये हमारा एसेट्स में, अगर हम बैलेंस शीट के बेसिस पे देखते तो इनको हम लाइबिलिटीज में लिखते और इसको हम एसेट्स में लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, इनको सबको हमने प्लस कर लिया और इसको माइनस कर दिया, तो जो हमारा जनरल रिजर्व 50,000 था, क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस 20,000 था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 10,000 का था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 12,000 का था, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा था 2,000 का, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इन सबको एडजस्ट करेंगे तो आ जाएगा नेट इफेक्ट हमारा 90,000। ठीक है, अब इस 90,000 को हम कैलकुलेट करेंगे कि किसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो। ठीक है, जो हमने ये गेनिंग सेक्रीफाइंग रेशियो निकाला था, इसके हिसाब से कौन कितना गेन कर रहा है, कौन कितना सेक्रीफाई कर रहा है, तो एसीएस एसीएस 90,000 वन अपॉन 15 6,000, बीसीएस 90,000 वन अपॉन 15 फाइव 15 सिक्स जा 90 90 वन जा वो सिक्स वन सिक्स थाउजेंड वन जा 6,000। ठीक है, 15 सिक्स जा 90 और 6,000 टू जा 12,000, ये आ जाएगा इसका ए बी और सी का शेयर। ठीक है, अब हम इसको एंट्री में पास करेंगे, तो एंट्री में पास करेंगे तो क्या करेंगे, एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है, क्वेश्चन अराइज हो जाता है, वाई बी ट्रांसफरिंग दिस अमाउंट इन द पार्टनर्स करंट अकाउंट, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, जब फिक्स्ड होगा तो हम जो भी सारी चीजें किस में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, तो यहां पर आ जाएगा हमारा टू सीज करंट अकाउंट। ठीक है, अगर ये फ्लक्चुएटिंग होता तो कैपिटल अकाउंट बाहर आ जाता, या कुछ भी मेंशन नहीं होता तो हम इसको क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो एज करंट अकाउंट 6,000 हमने ये मेंशन कर दिया, बीज करंट अकाउंट 6,000 हमने ये मेंशन कर दिया, टू सीज करंट अकाउंट 12,000 ये यहाँ आ गया। अब ए और बी को क्यों डेबिट किया है, ए और बी को इसलिए डेबिट किया है कि ये गेन कर रहे हैं, इनके पास आएगा, ठीक है, पैसा, और सी क्या कर रहा है, सी सेक्रीफाई कर रहा है, तो ये क्या करेगा, ये देगा, क्यों, क्योंकि पहले इसका शेयर 1/3 था, तो पहले ये ज़्यादा अर्न कर रहा था, अब क्या है 1/5 रहेगा, तो ये सेक्रीफाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एंट्री बन जाएगी, एडजस्टमेंट मेड फॉर रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारा पॉइंट बनेगा। ओवरऑल कहने का मीन्स यहाँ पर क्या है कि जब हम इस तरह का जो भी रिजर्व और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह जो सारी चीजें हैं उनको हम एडजस्ट करते हैं, तो हम उसके बेसिस पे क्या करते हैं, जो भी हमारा गेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गेनिंग पार्टनर्स सेक्रीफाइंग पार्टनर्स को कंपनसेट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो जब कंपनसेशन बनेगा, जो वो कंपनसेशन किसके बेसिस पे बनेगा, ऑन द बेसिस ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइंग रेशियो, जैसा कि हमने इस क्वेश्चन में सॉल्व किया है। यहाँ पर हमने निकाला था कि ए कितना गेन कर रहा है, बी कितना गेन कर रहा है और सी कितना सेक्रीफाई कर रहा है। अब जो हमने इस तरह से निकाला था उसी तरह से हमने इसको पोस्ट कर दिया, एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट। इसमें हमने ए और बी जो है वो पैसे लेकर के आ रहे हैं और सी के पास में पैसे जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये अभी क्या कर रहे हैं, जब गेन कर रहे हैं तो ये अपने उतना जितना गेन कर रहे हैं उतना अमाउंट लेकर के आएंगे और सी को उतने से कंपनसेट कर देंगे, दोनों मिलाकर के उतना अमाउंट उसको शेयर करके देंगे।